Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about mean and standard deviation. We will calculate mean and standard deviation with the help of assumed mean. This is part 2 of mean and standard deviation video. Let us start with the video lecture. We are going to talk about mean and standard deviation with assumed mean. There are certain requirements which are given to us. The first one is take 100 observations between 500 to 600. Second, make 5 class intervals. The third one is calculate mean and standard deviation with assumed mean. The fourth one, also calculate mean and standard deviation from unorganized data. In order to start this particular question, we need to have 100 observations. इस 100 observations को लेने के लिए मैं rand between का formula इस्तेमाल करूंगा ताकि हम यहां पर 100 observations को ले सके. First cell के अंदर मैंने click किया. यहां पर मैं function ले रहा हूं rand between का. rand between के function के अंदर दो parameters हैं, bottom and top. बॉटम के अंदर मैं वैल्यू दूंगा 500 और टॉप के अंदर मैं वैल्यू दूंगा 600. ये हमें 500 और 600 के बीच में एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा. हमारे पास एक रैंडम वैल्यू जनरेट हो गई. मैंने इसी को ड्रैग डाउन कर दिया. मैं इसी को राइट साइड पे ड्रैग करूंगा तो ये मेरे को 100 रैंडम ऑब्जर्वेशंस दे देता है. यहां पर हमारे पास 100 रैंडम ऑब्जर्वेशंस आ गई. लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है. जब भी मैं क्लिक करूंगा ये डेटा चेंज हो जाता है. हमें इस डेटा को फिक्स करने की जरूरत है तो मैं इस डेटा को फिक्स करने के लिए ये सारा का सारा डेटा सिलेक्ट करता हूं और इसको मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया. आप एक मूविंग लाइन को देख सकते हैं जो शो करती है कि दैट दिस डेटा इज सिलेक्टेड एंड कॉपीड. मैं इस डेटा को कॉपी करके इधर फिक्स वैल्यूज के फर्स्ट सेल के अंदर मैं लेके आता हूं और यहां पर मैंने राइट क्लिक किया. आई गो टू पेज स्पेशल. पेज स्पेशल के अंदर मैं वैल्यूज के रेडियो बटन पे क्लिक करता हूं. आई से ओके. एक्सेल ने हमें 100 ऑब्जर्वेशंस को दे दिया और ये ऑब्जर्वेशंस फिक्स कर दी गई. अगर अब मैं यहां पे क्लिक प्रेस करता हूं तो ये चेंज नहीं होगी. आइए हम क्वेश्चन के एक पार्ट को यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं. ये डेटा भी ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर नहीं है. हम इस डेटा से डायरेक्टली मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है equals to average. मैंने ये average formula को लिखा और उसके अंदर मैंने parameters के अंदर ये सारा data select कर दिया which are 100 observations. I close parenthesis. Now I press enter. इसने मुझे एक result calculate करके दिया. This is average from unorganized data and we got the result 555.66. सिमिलरली हम यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे. स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला है STDEV और इसके अंदर मैं ये सारी फिक्स वैल्यूज दे देता हूं एज पैरामीटर. मैं इसी फॉर्मूले को आपके साथ नीचे इसको रिजल्ट दे रहा हूं और रिजल्ट के अंदर मेरे पास आया 26.30. आई गॉट सम वैल्यूज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन. मैं इसको कुछ रिड्यूस डाउन कर देता हूं. हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 26.30. स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर दैट दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड डेटा. Both are from unorganized data.
Now let us move on to the organized data. इस organized data के अंदर हम सारे के सारे अपने इस data को class interval के अंदर fix करेंगे, frequency generate करेंगे और उसके बाद mean और standard deviation के appropriate formulas को apply करेंगे. तो आइएगा सबसे पहले हम generate करते हैं class intervals 500 to 520. 520 to 540. मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैं इनको ड्रैग डाउन कर रहा हूं. अपर इंटरवल को भी सिलेक्ट किया और मैं इसे ड्रैग डाउन कर रहा हूं. हमारे पास यहां पर पांच क्लास इंटरवल बन गए जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी. 500 टू 520, 520 टू 540 एंड सो ऑन. इसके बाद सबसे पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसी का फंक्शन यहां पर दे रहा हूं. इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स हैं, डेटा एरे. एरे मींस ग्रुप. डेटा एरे मींस डेटा का ग्रुप. आपका डेटा का ग्रुप कहां पर है, डेटा के ग्रुप को देखने के लिए मैं ये सारे की सारी फिक्स वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेता हूं. दिस इज माई डेटा एरे. मैंने ये डेटा एरे यहां पर दे दिया. इसके बाद कॉमा. इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है बिन्स एरे. बिन्स एरे के अंदर हम लेंगे अपर लिमिट. ये अपर लिमिट मेरी बिन्स एरे है. फ्रीक्वेंसी फंक्शन को अब हम यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे. फ्रीक्वेंसी फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूं जहां पर फ्रीक्वेंसी का डेटा आना है. उसके बाद मैं फॉर्मूला बार के अंदर जाके फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखता हूं. फर्स्ट पैरामीटर डेटा एरे. दिस इज माय डेटा एरे. इसके बाद कॉमा. सेकंड पैरामीटर है बिन्स एरे. मेरे पास ये अपर लिमिट, ये मेरे बिन्स एरे हैं. मैंने पेरेंथेसिस को क्लोज किया और उसके बाद मैं तीन कीज इकट्ठी प्रेस करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर. इन तीनों कीज को एक साथ प्रेस करेंगे हम, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, और ये मैंने प्रेस कर दिया. जैसे ही मैंने तीन कीज को प्रेस किया, फ्रीक्वेंसी के अंदर जो रेंज थी उसके अंदर कुछ वैल्यूज आ गई. मैं इन वैल्यूज को चेक करना चाहता हूं, क्या ये वैल्यूज 100 हैं या नहीं है. तो मैंने यहां पर सम का फंक्शन अप्लाई किया, पूरी रेंज सिलेक्ट करी, पेरेंथेसिस क्लोज एंड आई प्रेस एंटर. ये मेरी फ्रीक्वेंसी 100 आ गई. मैं इस फ्रीक्वेंसी को नाम देता हूं, दिस इज सिग्मा एफ. सिग्मा एफ को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है मिड वैल्यू को कैलकुलेट करना. मिड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंबल है एम. ये मिड वैल्यू क्या है मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट. दिस इज 500 इज लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज 520. दोनों को जोड़ दे और दो से डिवाइड कर दे, देन इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ मिड वैल्यू. इक्वल्स टू लोअर लिमिट दैट इज 500 प्लस अपर लिमिट दैट इज 520 डिवाइड बाय 2. नाउ आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने मुझे मिड वैल्यू को कैलकुलेट करके दे दिया. आई ड्रैग इट डाउन. मेरे पास इन सभी क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट्स आ गए. इसके बाद हमने एक्स को कैलकुलेट करना है और एक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम अज्यूम मीन की हेल्प लेंगे. मान के चलते हैं कि हमारे पास अज्यूम मीन 550 है. आप यहां पर इन सेल्स के अंदर देखिएगा, सेल नंबर F47 के अंदर हमने ये, मैं इसको येलो कलर करके दे रहा हूं, हम 550 को एज ए अज्यूम मीन ले रहे हैं. एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला ले रहा हूं. दिस वैल्यू
minus assume mean which is 550. क्योंकि ये assume mean सभी के लिए सेम रहेगा, तो मैं assume mean के सेल को एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। मैंने F4 को प्रेस कर दिया तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। दिस इज डिवाइडेड बाय 20, जो 20 हमारा क्लास इंटरवल है हमने उससे इसको डिवाइड कर दिया। आई प्रेस एंटर, मेरे पास एक वैल्यू आ गई -2। मैंने इसी को ड्रैग डाउन कर दिया, हमने अज्यूम मीन लिया है 550 और जिसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूले को अप्लाई किया था, वो फॉर्मूला हमारे पास ये है। मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूं और आपकी रेफरेंस के लिए मैं ये फॉर्मूला यहां पर दे रहा हूं। ये फॉर्मूला मैंने आपकी रेफरेंस के लिए दे दिया है। हमने इससे एक्स की वैल्यू को ड्राइव कर लिया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे मूव करता हूं और हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, मीन्स एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो हमारे पास बहुत सिंपल फॉर्मूला है, दिस सेल विच इज 13 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, दिस 13 वाज फ्रीक्वेंसी एंड दिस एक्स वाज -2। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आई गेट सम वैल्यू। इन्हीं वैल्यूज को मैंने ड्रैग डाउन कर दिया, मुझे यहां पर इसका सम निकालना है, एफ एक्स का सम निकालना है, इक्वल्स टू सम। सम का फंक्शन लिखने के बाद मैंने ये पूरी रेंज की वैल्यूज दे दी। आई प्रेस एंटर, मेरे पास एक वैल्यू आ गई, दैट इज 25, दिस इज सिग्मा एफ एक्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मुझे एफ एक्स स्क्वायर को निकालना है, अगेन दैट इज क्वाइट सिंपल, एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, equals to fx multiplied by x, press enter, I got the value of fx square, मैंने इसको drag down कर दिया और यहां पर मैं लूंगा summation of fx square equals to, तो मैंने sum का function लगाया, equals to sum और मैंने ये पूरी की पूरी fx square की range दे दी, parenthesis close, I press enter। ये मेरे पास वैल्यू आ गई सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की। एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए हमने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया था, मैं इस फॉर्मूले को यहां पर नीचे दे रहा हूं। अब हमारे पास सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है और सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। अब हम कैलकुलेट करेंगे मीन, और मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय क्लास इंटरवल। आइएगा इस रिजल्ट को हम यहां पर इवेल्युएट करते हैं। इक्वल्स टू अज्यूम मीन इज 550, तो मैंने F47 पे क्लिक कर दिया, प्लस पेरेंथेसिस स्टार्ट, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 25 विच इज H50 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ विच इज 100, that is E50, parenthesis close, multiplied by class interval which is 20. I press enter, I get the value of 555. This is the result of mean. इस mean के अंदर जो हमने formula को apply किया है, मैं वो formula आपको नीचे दे रहा हूँ। This is the formula which we have applied here. स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर अब हम चलते हैं, और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज SQRT, SQRT पेरेंथेसिस स्टार्ट, वन मोर पेरेंथेसिस, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ पेरेंथेसिस क्लोज, माइनस पेरेंथेसिस अगेन स्टार्ट, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ पेरेंथेसिस क्लोज, कैरेट 2, then parenthesis close, multiplied by class interval. इस particular formula को मैं आपके सामने result के cell के अंदर apply कर रहा हूं, equals to SQRT, that is the square root. Now I start with SQRT function, sigma fx square, that is I50, divided by
sigma f is E50 parenthesis close minus parenthesis start sigma fx. This is the value of sigma fx divided by sigma f. This is E50 parenthesis close, then caret symbol 2 parenthesis finally close multiplied by class interval, that is 20. Now I will press enter. I get the value 26.3. This is the standard deviation. This is the formula which we have applied here. अब हम इन दोनों रिजल्ट्स को चेक करते हैं कि ये अनऑर्गेनाइज डेटा से कितना डिफरेंट है. मीन हमारे पास आया 555. जब हमने अनऑर्गेनाइज डेटा से मीन निकाला था तो इट वॉज 555.66. सिमिलरली अनऑर्गेनाइज डेटा से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था तो ये 26.30 था. फॉर्चुनेटली स्टैंडर्ड डेविएशन का भी ऑर्गेनाइज डेटा से रिजल्ट बिल्कुल सेम है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमने चार चीजें कैलकुलेट की हैं, जिसके अंदर हमने निकाला अनऑर्गेनाइज डेटा से मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बाद हमने ऑर्गेनाइज डेटा से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाला है. मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी. आप इसकी एक बारी खुद प्रैक्टिस करेंगे एंड थिंग्स विल बी क्वाइट सिंपल फॉर यू. Thank you very much.